तो गाइस आज मेरे शेर पुत्र बीमार पड़ गया है। सच में शेर था भाई, कभी नहीं बीमार पड़ा था। आज मेरा बेटा का उम्र 16वां साल शुरू हो गया, लेकिन ये कभी बीमार नहीं पड़ा था। कभी 16 साल में इसको कभी बुखार नहीं लगा था। जब इसे इंजेक्शन लगा करे टीका जो बच्चों को लगती है, वो जब टीका लगे तो हम नहीं आता था बुखार, तो डॉक्टर से पूछते थे कि सर डॉक्टर इसे बुखार तो आया ही नहीं, आप बोलते हो बुखार आने से ही दवाइयाँ सेट करती है, तो अब नहीं आया तो क्या ज़बरदस्ती लाओगी? कोई बात नहीं, दवाई लग गई। तो मैं सोचती थी यार मेरा बच्चा वो भी बुखारू नहीं होता है। तो फिर सुनी एक बार टीवी में या फिर फ़ोन उन में, मतलब डॉक्टरों से जानकारी हुआ कि बुखार आना ज़रूरी होता है। साल में एक बार पेट भी ख़राब होना चाहिए और साल में एक बार बुखार भी आना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बॉडी का जो ताप बढ़ता है तो उससे बहुत से बैक्टीरिया जम्स अंदर जो होते हैं वो किल होते हैं, तो फिर वो पेशाब लैट्रिन के जरिए निकल जाता है। तो रिफ्रेश, शरीर को फ्रेश होने के लिए बुखार आना ज़रूरी होता है। तब मैं कहा करती थी इसको बुखार नहीं आता है, एक बार बुखार आ जाता। मैं ये तो बोलती थी लोगों से, तो कहता था कैसी माँ है ये, बुखार मना रही है कि मेरे बेटे को बुखार लग जाए। अब आज जब इसे बुखार लग गया तो कहे भैया दुनिया बीमार हो जाए, ये कभी बीमार ना हो। पैर के रख दिया गन्ने की तरह, और दूसरा मुंह जो सूख गया है इसका, जो मैं क्या बताऊँ, मैं दिखाती हूँ आपको अभी, इतना बुरा हाल है भैया। ऐसा बुखार अगर हो तो ना लगे कभी, क्योंकि भाई इसकी तो बैंड बज गई है बुखार से। टंगी है लिमका की बोतल, माउंटेन ड्यू चढ़ा है। क्या बताऊँ मैं, देख लो माउंटेन ड्यू कहाँ जा रहा है, माउंटेन ड्यू आ गया यहाँ। तो ये देख लो इनका हंसी, देख लो ये अभी हंस रहा है, नहीं तो तब से एकदम मम्मी सिर में दर्द। ये देख लो कैसे गिरा है, ये देखो कैसे चक्कर खा के गिर पड़ा। और यहाँ देखो मेरी हाथ, पिलर से मेरी हाथ पूरा रगड़ा गई, कट गया है, ये हड्डी दिखने लगा था सफ़ेद सफ़ेद यहाँ पर, इतना बुरा हाल था इसका। गिर रहा हूँ, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मैं ये हो जाऊँगा, मैं वो हो जाऊँगा, निरे रोना धोना सब चालू। अभी हंस रहा है, माउंटेन ड्यू चढ़ने लगा है। तो अब जो दवाइयाँ ही खा रहा है, क्या बताऊँ, बड़ा बुरा हाल है भाई। और इससे ज़्यादा बुरा हाल मेरा है, दौड़ा दौड़ा के पागल कर रखा है। एक हफ्ते से बीमार है ये, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना स्कूल, ना ट्यूशन, कुछ नहीं, एकदम पतला दुबले सुखता। सही, दुबले तो हो गए हो भाई, पानी शरीर में, हाँ नहीं फ़ायदा क्या है, लेकिन कमज़ोर हो गए हो। चलो मैं ध्यान देती हूँ इसका, फ़िलहाल जा रही हूँ किचन में, हाँ धोवा ली हूँ, सारा काम कर ली, पूजा पाठ सब हो गया है। अब देखो बुढ़िया से जवान बन गई, बाल रंगा थे सच में, बाल सफ़ेद हो गए थे, काले मुलायम मेरे बाल, बैश मॉल ने किया कमाल, घने मुलायम मेरे बाल। तो अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना नहीं बना है, उसके बाद आगे का काम चालू होगा। पीहू को लेके आऊँगी स्कूल से, बहुत दिक्कत हो रही है भाई, बीमार हो गया है इसलिए मुझे, और स्कूल से भी इतने फ़ोन आ रहे हैं पूछो ही मत, क्योंकि यूटी स्टार्ट होने वाली है इन लोगों की अगले महीने ही, मतलब सितंबर अक्टूबर में होगा, सितंबर में सितंबर में ही है यूटी। चलो ठीक है गाइज, रखती हूँ फ़िलहाल इसको, मैं कोई मूवी लगा दूँ ताकि ये देखे पड़े पड़े। देखो माही की तबीयत भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ, पेट में दर्द है। मैं किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो फिलहाल पीहू के ऑर्डर पे बना है आलू के पकौड़े, तो आलू के पकौड़े पीहू के लिए बना, पीहू ले जा बन गए। और आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, तोरी है अच्छे से छील के, धो धा के छील ली हूँ सब बढ़िया से फ्रेश। और यहाँ प्याज है कटे हुए बारीक, यहाँ मिर्च है, और यहाँ कटी हुई लहसुन है, और इसमें पचफोरन है, और यहाँ है अचार के मसाले, आप देख पा रहे होंगे ये अचार के मसाले हैं, और उबला हुआ चना का दाल है। तो आज मैं अचारी तोरी की सब्जी बनाने जा रही हूँ, एकदम बिल्कुल अचार का फ्लेवर आएगा। तो सबसे पहले इसमें पंचफोरन डालती हूँ, ये देखो पांच तरह के फोरन है इसमें, बहुत चीज़ें मिक्स होती है, बहुत सारी आइटम, तो ये इसीलिए इसका नाम है पंचफोरन। तो ज़्यादा मात्रा में नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें भी साबुत मसाले पड़ते हैं, तो थोड़ा सा तड़का के लिए गया इसमें। उसके बाद इसमें जाएगा हींग, तो फिर हींग डालती हूँ, ये देखिए थोड़ी सी हींग डाल दी, अब हींग हो गया। अब यहाँ पे गैस को
तेज कर दूंगी, तब से कम था। अच्छे से फौरन तड़क गया, हींग भी गर्म हो गई, पक गई। अब हरी मिर्ची डाल दूंगी। हरी मिर्ची डालने के तुरंत बाद लहसुन डाल दूंगी। लहसुन डालने के तुरंत बाद, लहसुन पकाने नहीं है, ब्राउन नहीं करना है, उसमें फ्लेवर कड़क आने चाहिए लहसुन का। चलो लहसुन को कड़क फ्लेवर रहने के लिए अच्छे से उसे कच्चा ही पकाऊंगी भून के। वो जल जाएगा ना तो फिर उसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो जैसे गार्लिक ब्रेड बनाते हैं तो गार्लिक को किस तरह से मेल्ट होने देते हैं बटर के साथ, जस्ट वैसे ही इसे पकाना है, जलाना नहीं है। तो तीनों चीज़ों को भूनती हूँ। अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं भूनना है। अब इसमें डालूंगी चना का दाल जो उबाल कर रखी हुई थी। ज़्यादा उबाली भी नहीं थी और ज़्यादा कच्चापन भी नहीं था, इस तरह से उबाली में कि ये अच्छे से पका भी रहे और हलवा भी ना बन जाए, बिल्कुल दाल ना बन जाए, मेल्ट ना हो जाए। तो इस तरह से मैं इसे, अब इसमें अगर डालना मुझे है तो सिर्फ नमक और हल्दी, नमक स्वाद के हिसाब से डालूंगी और हल्दी कलर के हिसाब से डालूंगी, क्योंकि ये मसाले भी उसमें जाएंगे, ये भुने हुए अचार के मसाले, क्योंकि अचारी अचारी फ्लेवर में तोरी बना रही हूँ मैं। तो इसमें नमक डाल देंगे काफ़ी है इसमें, अब इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे। हल्दी डाल के और आपको पता होगा अचार में हर मसाला पड़ता है, सारे के सारे मसाले अचार में होते हैं। तो ये देखो थोड़ा इसको एक दो मिनट भून लेती हूँ बढ़िया से, मैं दिखाऊंगी आपको कैसा ये बनाएगा। देखो हो गई ना लाल, देखते हैं इससे अच्छा सा कलर भी आ गया और ये बढ़िया सा हो भी गया। अब यहीं पर डाला जाएगा तोरी, ये कसा हुआ तोरी बढ़िया से मैं इसमें डाल के मिक्स कर देती हूँ। इस तरह से तोरी आप भी बनाओ, चटपटे बढ़िया झनकादार तोरी, और खाओ, क्योंकि अचार के मसाला में काफ़ी चटपटा स्वाद होता है बहुत ज़्यादा। ये देखो ये मैं डाल देती हूँ, इसमें कुछ कुछ अचार के भी टुकड़े हैं और ये इसे अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा। देखो मैं मिक्स करके भी दिखाऊँगी, ये ऐसे नहीं रहेगा, इसको इस तरह से चलाएंगे, ये सारे मसाले बहुत अच्छे से कोट हो जाएगा। देखो तो अचारी तोरी चना दाल डाल के इस तरह से भून भान के बनाओ, बच्चे बूढ़े जवान सब बहुत मजे से खाएंगे। देखो मम्मी अब देख रहे कलर कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना प्यारा प्यारा कलर आया है, कलर गजब होता है भाई, उससे ज़्यादा गजब तो इसका स्वाद होता है, क्या बताऊँ। और देखना इसमें पानी नहीं डालूंगी मैं, पानी छोड़ेगा और इसमें जो अरोमा आएगा ना लहसुन का अरोमा और अचार का, क्या बताऊँ उसके बारे में। देखो मैंने बोला था ना पानी नहीं डालूंगी और इसका पानी कुछ छोड़ेगा। ये देखो कैसे भूनी गई है, देख रहे कैसे पक रहा है, ये दाल तो पका हुआ था। मैं दिखाऊँ, दिखाती हूँ डेमो, दिखाती हूँ डेमो। ये देखो है ना, दाल को मैं कुकर में पका ली थी दो सीटी में, और तोरी पकने में क्या टाइम लगेगा, लेकिन जो इसमें फ्लेवर आ रहा है, खुशबू आ रही है, इसको बनाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इस डिश को इस तरीके से आप बनाओ। चने दाल को पहले उबाल लेना दो सीटी डाला के, अचार का जो सिरका वगैरह का जो फ्लेवर है ना, सिरका का इसमें खट्टापन आ जाएगा, और भुने हुए मसाले को कूट के तेल में पका के जो डाला जाता है अचार में, तो उस मसालों की जो खुशबू है पूरे किचन में फैली हुई है वो, और इतना प्यारा ये लग रहा है गाइस, मैं क्या बताऊँ आपसे, ये क्या गजब दिख रहा है। देखो बस ये थोड़ा और पकेगा, इस पानी को मैं इसी में सुखाऊंगी, पानी नहीं डालूंगी। तोरी एकदम ताज़ी थी तो ये खूब अच्छे तरीके से पकेगा, इसमें पकाऊंगी, दिखाऊंगी लास्ट तक ये कैसा इसका आ रहा है मसाले। और इसमें वो राई भी पड़ता है ना,
सब चीजों का बैलेंस, बहुत प्यारा बैलेंस है। चलो ये हो गया, सूख गया ना सब्जी, पानी वानी नहीं रहा। और देखो इसका राधे राधे कितना अच्छा पका है, पक गया ना, सब कुछ मिक्स हो गया। ये देखो अच्छे तरीके से दिख रहा है, ऐसी सब्जी बनाइए और मजे लेके रोटी के साथ खाइए, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत स्वादिष्ट। मेरे किचन खुशबू से एकदम फैला हुआ है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, बिल्कुल तैयार है, एकदम बढ़िया सा स्वादिष्ट सब्जी बन गए रेडी। टैन टैन, तो अब रोटी बनाती हूँ और गर्मा गर्म सबको खिलाती हूँ मैं। देख लो अच्छे से देख लो भाई, आपको दिखाना है मेरी सबसे बड़ी खुशी है। गाइस देखा आपने कैसे मैंने आपको अचार की फ्लेवर का तोरी की सब्जी बनाने के लिए सिखाया, उसमें जो अरोमा आ रहा था, उसकी जो खुशबू आ रही थी, मैं क्या बताऊँ आपसे। तो कभी आप भी बना करके ट्राई कीजिए, आपके घर में भी होममेड अगर अचार है, मतलब घर में बनाया हुआ अचार, रेडीमेड वाला बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें बहुत अलग स्वाद होता है। जो घर में आप अचार बनाते हैं, जो सिरका आप डालते हैं, उसका जो खट्टापन आता है सब्जी में, और जो भुने हुए खड़े मसाले को आप भून के कूट के जो आप डालते हो, राई वगैरह बहुत सारी मसाले उसमें भून के कूट के पड़ता है, तो उस सब का जो टेस्ट आता है ना, वो मैं क्या ही बताऊँ, वो बहुत अमेजिंग टेस्ट होता है। एक बार याद होगा मैंने आपको, अगर आप मेरा पिछला ब्लॉग देखे होंगे, तो अचारी आलू बनाई थी मैं, अचारी फ्लेवर में आलू बनाई थी, वो गजब स्वाद आया था उसका। वैसे ही मैंने आज अचारी तोरी बनाई है और उसकी स्वाद सच में बहुत अच्छी है, सब लोगों ने खाया, बहुत अच्छा लगा सबको। और मैं रात को नहीं खा पाई थी क्योंकि मेरा थोड़ा इशू चलता रहता है, कुछ ना कुछ पेट को लेके प्रॉब्लम आ जाती है, तो मैं नहीं खाई थी। मैं अभी खाई हूँ, हरी मिर्च फ्राई करी, रोटी और तोरी की सब्जी चना दाल डाल के बनाई थी। चना का दाल आप वैसे मत बनानी, या तो 4-5 घंटे उसे सोक कर देना, या फिर 2 सीटी लगा देना, फिर मज़े का बनेगा वो। और आप ज़रूर बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। मैं यहीं पर अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, आई होप आप इंजॉय किए होंगे। करें मत लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलूंगी जल्दी आपसे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, आदि शुभ रात्रि।